हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंकित गोयल, अंकित फाइनेंस क्लब में एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम सभी देख रहे हैं कि मार्च से अगर हम बात करें, काफ़ी कंपनीज हैं जो आईपीओ राइट इशू लेके आ रही हैं। पहले भी कुछ कंपनीज आ चुकी हैं, स्पेशली आप दोस्तों जुलाई में देखेंगे ना तो तीन तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें पीवीआर और श्रीराम कंपनी के राइट इशू अवेलेबल हैं जो 17 और 16 जुलाई से रेस्पेक्टिवली ओपन हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताया जाऊं जो रोजारी बायोटेक है, इनका आईपीओ आ रहा है 13 जुलाई से आ रहा है और जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पीवीआर और श्रीराम से रिलेटेड तो अलग से वीडियो बना रखे हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोजारी बायोटेक के आईपीओ के बारे में, कितने प्राइस के अवेलेबल है, कब बाय कर सकते हैं, कब से कब तक अवेलेबल है और ये कंपनी कैसी है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रोजारी बायोटेक कंपनी है ये मुंबई बेस्ड कंपनी है और जो इनका काम है मेनली केमिकल्स का काम है। आप बायोटेक के नाम से ही समझ सकते हैं केमिकल्स। और दोस्तों ये केवल इंडिविजुअल पर्पज से नहीं है, काफ़ी कंपनीज के लिए केमिकल बनाती हैं, जो सर्फ डिटर्जेंट इसमें जो यूज़ होते हैं वो सभी के लिए ये बनाते हैं। काफ़ी बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं, मैं अभी आगे बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो आपको इन्वेस्ट करना होगा इस आईपीओ में, वो 13 जुलाई से ओपन है और 15 जुलाई तक ओपन रहेगा, यानी आपके पास 3 दिन रहेंगे जब आप इसके आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। और ये जो शेयर लिस्ट होगा बीएससी और एनएससी पर, वो 23 जुलाई के आसपास लिस्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, जो एक प्राइस बैंड रखा गया है वो 423 से 425 रखा गया है। 423 फ्लोर प्राइस है और 425 अपर बैंड है, यानी आपके इसी के आसपास ये शेयर मिलेगा। लॉट साइज की बात कर लेते हैं, आप एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम जो आपको अप्लाई करना है वो 35 शेयर और उसके मल्टीपल्स में करना है, यानी अगर मोटा मोटी अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 14-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिसमें आपको 35 शेयर मिलेंगे। अब आगे बात कर रहे हैं इनका इशू कितना बड़ा है। तो ये बताया गया है जो इनका इशू है वो 494 से 496 करोड़ का है, जिसमें टोटल 1,16,76,470 शेयर इशू करेंगे। अब ये जो टोटल 1,16,00,000 शेयर हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं वो तो 50 करोड़ के कर रहे हैं, जिसमें करीबन 1,76,470 शेयर आ रहे हैं। और जो प्रमोटर्स हैं वो भी अपना स्टेक बेच रहे हैं ऑफर फॉर सेल में, जिसमें ये लोग आपको 1,05,00,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये टोटल आप देख सकते हैं 500 करोड़ से कम का ही टोटल इश्यू साइज है। अब वॉट एवर द मनी कंपनी विल रिसीव, कंपनी इस पैसे का कैसे यूटिलाइज करेगी, तो तीन पॉइंट बताए गए हैं। पहले तो ये अपना जो डेट है, लोन ले रखा है, उसको कम करेंगे, उसको पे करेंगे। इनकी जो डे टू डे बिजनेस की, आप कह लीजिए बिजनेस के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए यूज करेंगे। साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। अब हमें ये समझ में आ गया कि इशू कितना बड़ा है, आपको कब से कब तक मिल रहा है, कितना पैसा लगाना है। अब बात कर लेते हैं इनके बिजनेस मॉडल की, जो आपको जानकारी देगा, आपको हेल्पफुल करेगा ये जानने के लिए कि बिजनेस किस चीज में डील करता है, उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ब्रॉड हैं, मोर देन 2000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेल करते हैं। और मेनली अपने बिजनेस को इन्होंने, जो केमिकल का बिजनेस है, उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो होम पर्सनल केयर के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे आप सोप यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं, इंक यूज़ करते हैं, टाइल्स यूज़ करते हैं, बहुत सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारा ऐसा बिजनेस मॉडल में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। और इसके थ्रू जो टोटल रेवेन्यू है उसको 46% रेवेन्यू यहाँ से आता है। उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी कंपनीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, और काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जैसे HUL है, अरविंद है, इनको ये ना एक रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, ऐसे कॉटन का, पॉलिस्टर, वूल, सिल्क, नायलॉन। तो काफ़ी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और एनिमल हेल्थ में भी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। पर जो टेक्सटाइल से रेवेन्यू आता है वो करीबन 43-44% आता है, और रेस्ट जितना भी है वो काफ़ी कम है जो एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से आता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कस्टमर। मैंने आपसे कहा बड़े बड़े कस्टमर्स हैं इनके, जो इनसे रॉ मटेरियल के लिए सप्लाई लेते हैं। तो जैसे HUL है, IFB इंडस्ट्रीज है, अरविंद है, रेमंड है, आप देख रहे हैं पैनासोनिक है, बॉश है, सारे बड़े नाम हैं जो इनके कस्टमर्स हैं। वहीं लिस्टेड कंपटीटर्स की बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज आपने सुना होगा, गैलेक्सी, अतुल लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स, ये इनके कंपटीटर हैं। तो आई थिंक आपको इनके बिजनेस मॉडल की समझ में आ रहा है, पर अच्छा खासा बिजनेस है। आज के टाइम में सोप, सैनिटाइजर, डिटर्जेंट की काफ़ी मांग है, और इसी को देखते हुए दोस्तों अगर कोविड के इम्पैक्ट की बात करें तो इनके लिए तो पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि जो उनका पर्सनल और होम केयर वाला सेगमेंट है उसमें काफ़ी डिमांड आई, जैसे डिसइंफेक्टेंट की, सैनिटाइजर की, जो ये लोग बनाते हैं
काफी डिमांड आई हो क्योंकि एसेंशियल्स में आते हैं। तो दोस्तों इनके जो लीड मैनेजर है एक्सिस कैपिटल, उन्होंने बताया इनकी जो फैक्ट्री थी वो भी ओपन नहीं थी कोविड-19 में, क्योंकि एसेंशियल आइटम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं बिजनेस में ग्रोथ रहेगी। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो मैंने पहले टर्नओवर लिख रखा है, फिर नेट प्रॉफिट लिख रखा है। आप देख सकते हैं 3 साल का दिया गया है, 18, 19, 20। तो फाइनेंशियली 18, 19, 20 की बात करें तो देखिए आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से बढ़ के 45 करोड़ हुआ, उससे बढ़ के 65 करोड़ हुआ। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि टर्नओवर भी इंक्रीज हुआ। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कोर स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों तो मैं बता लिया, इंडस्ट्रियल सप्लाई भी करते हैं, FMCG, अपेरल, एनिमल फीड इंडस्ट्रीज, काफ़ी इंडस्ट्रीज को अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं। और नॉट ओनली इन इंडिया, मोर देन 16-17 कंट्रीज में इनका बिजनेस फैला हुआ है, इनके कंपनी के ऑपरेशंस हैं। और दोस्तों ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, 2030 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इसमें डील करते हैं। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, 204 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके, और डोमेस्टिक मार्केट में भी हैं, भारत में मैं बता चुका हूँ 29 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो अलग अलग कंट्रीज में फैले हुए हैं। अब इनके लीड मैनेजर की बात कर लें, जो ये इशू ला रहे हैं इसके दो मेन लीड मैनेजर हैं, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड है और ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड। रजिस्ट्रार की बात करें तो लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड इनके रजिस्ट्रार हैं। इनकी वेबसाइट पर भी जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या ASBA का एक प्रोसेस होता है जो नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी बैंक के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी मैंने एक प्रोसेस अलग से वीडियो में बता रखा है, जब रिलायंस का राइट शेयर आया था तो आप उस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या आज के टाइम में दोस्तों जो बड़े ब्रोकर होते हैं, जैसे आपका रेलियर है, कोटेक है, और भी काफ़ी बैंक्स हैं, इन ब्रोकर्स के थ्रू भी आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट से डायरेक्टली, या फिजिकल फॉर्म के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ कि कितने का एक शेयर है, 423 से 425 का एक शेयर पड़ेगा, 35 का एक लॉट है मिनिमम, 3 दिन आपके पास रहेंगे जिसमें आप डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस मॉडल मैंने आपको बता दिया है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों आप राइट शेयर का भी ऑप्शन देख सकते हैं, जो PVR का भी आया हुआ है, साथ ही साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट का भी आया हुआ है। आप तीनों के वीडियो अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप तीनों को समझिए, आप देखिए आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तीनों के बिजनेस मॉडल को समझिए और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। ये मैं आपको बता देता हूँ, जो रोजारी है वो IPO है और श्रीराम और PVR के राइट इशू आपके पास हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि ऐसे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। प्लस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड काफी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।